नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज की मुलाकात भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता के साथ। महंगाई के मुद्दे पर जिलाध्यक्ष ने कोरोना का बनाया बहाना। मुस्लिमों को भाजपा से नहीं सपा बसपा से डरना चाहिए, बोले रूपेश गुप्ता। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। आबाद विकास स्थित भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता से भेंट कर हमारे संवाददाता देवराज सिंह का सीधा प्रसारण। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुस्लिमों के प्रति प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा कि मुस्लिमों को भाजपा से डरने की जरूरत नहीं, जो अपराधी हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन सबको सजा मिलेगी। भाजपा कभी तोड़ने की राजनीति नहीं करती, भाजपा हमेशा जोड़ने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुस्लिमों पर राजनीति सपा और बसपा करती है, मुसलमानों को भाजपा से डरने की जरूरत नहीं, यदि डरना है तो सपा और बसपा से चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को भाजपा सरकार से फायदा हुआ है, भाजपा सरकार की योजनाओं से सबसे ज्यादा भला मुसलमानों का हुआ है। भाजपा ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, वह सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सपा और बसपा मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं और मुसलमान भ्रमित हो भी रहे हैं। मुसलमानों को खुलकर भाजपा का साथ देना चाहिए। जब हमारे संवाददाता ने महंगाई के बारे में पूछा तब उन्होंने कोरोना को बीच में लेकर बात को घुमा दिया। तो आइए देखते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता को लेके काफी डर है कि भाजपा अगर दोबारा आ गई तो मुस्लिम फिर से खतरे में पड़ जाएगा। क्या खतरे में पड़ गया बताइए मुझे, ये आप बताइए। इस उत्तर प्रदेश में 5 साल में योगी जी की सुशासन व्यवस्था को लेकर कोई सवालिया निशान उठा सकता है क्या? अपराधी कोई कौम का नहीं होता, कोई धर्म का नहीं होता, कोई जात का नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे विकास दुबे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। इसमें मुस्लिम को कहाँ डरा गया बताइए। इस हिंदुस्तान मुसलमानों में जो योजना भारत सरकार ने लागू की, जो योजना प्रदेश सरकार ने लागू की, सबके लाभ मिल रहे हैं। गरीब में हिंदू भी है, गरीब में मुसलमान में भी है। तो जो गरीब है उसको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। फरुखाबाद के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, आयुष्मान का पहला लाभार्थी हतियापुर की मुस्लिम महिला ही थी। तो क्या उसको मुसलमान की कारण आधार आयुष्मान दिया गया? जरूरत थी, वो की बात थी, उसको काट दिया गया। बताया उत्तर प्रदेश में पिछले 2007 में बसपा की गवर्नमेंट थी, 2012 में माया अखिलेश जी की सरकार थी और 2017 में भाजपा की योगी जी की सरकार है। आप पिछले 15 साल का वो निकाल लीजिए, सर्वाधिक रोजगार 4.5 लाख नौकरियां सरकार द्वारा दी गई हैं, जबकि पिछले 1.5 साल से हम कोरोना जैसी भीषण विपदा से, सदी की सबसे बड़ी विपदा से हम जूझ रहे हैं। उसके बाद भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने नौजवानों को कहां से, किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना सकें, कहां सरकार के द्वारा उनको रोजगार दिया सकता है, सारी चीज की जा रही है। महंगाई के विषय में किस चीज़ में आप बताएं, महंगाई किस चीज़ में आपको लग रहा है? देखिए, एक आपको समझना पड़ेगा, आप पत्रकार होने के नाते आपको ये भी समझना पड़ेगा, पत्रकार होने के नाते पहले एक नागरिक हैं। और जब हम ये इसको सोचेंगे तो हम सरकार को श्रेय देंगे। ये जो भीषण विपदा, इसे बहुत सारी चीजें बदली है, सदी की सबसे बड़ी विपदा थी, इसमें सारी व्यवस्थाएं बदल गई। हमने और आपने जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हमने आपने देखा। ऐसे में सरकारों के आगे बड़ी संकट थी। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेल को लेकर एक नई नीति घोषित की है, खाद्यान्न तेल को लेकर, इसीलिए की है। धीमे धीमे समझ में आ रही जटिलताएं कहाँ पर हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में हमारा भी किसान इसी तेल को लेकर आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा और बाजार में भी गरीब तेल का उपयोग कर सके, ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। चलिए 2022 चुनाव को लेकर थोड़ा सा मुसलमानों को कहना चाहेंगे, मुस्लिम को ये समझना चाहिए कब तक वो धोखा खाता रहे, कब तक मुस्लिम को भाजपा से डर दिखा के। आज मैं कई नेताओं के स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि हमारा वोट मिल जाए, मुस्लिम वोट मिल जाए, हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या इससे मुस्लिम का भला हो सकता है? पिछले 5 सालों में अखिलेश जी का भला हो सकता है? पिछले 5 सालों में अखिलेश जी जवाब दें, उत्तर प्रदेश के कितने मुसलमानों को उन्होंने सरकार में नौकरी देने का काम किया, कितनों को रोजगार देने का काम किया? हाँ किया। मुस्लिम में कोई व्यक्ति गलत है, अपराधी, उसको सजा देने का काम किया, ये भय दिखाकर कि यदि भाजपा आएगी तो आपको सजा मिलेगी, ये काम किया। आज मुस्लिम स्वतंत्र है, जहाँ चाहे जैसे चाहे रहे, कोई आपत्ति उसको नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जैसे सब रह रहे हैं वैसे उनको भी
रहने का अवसर मिल रहा है।